दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो जिला ऊना के हरोली का है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हरोली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर ज्यादा भीड़ हो गई थी। मंच पर 20 से 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन मंच पर कई ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए, जोश में होश खो बैठे और मंच धड़ाम से नीचे गिर गया। गनीमत तो ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने हिसाब से मजे लेते नजर आए। कई लोगों ने लिखा, छोटे कार्यकर्ताओं ने लिखा, बड़े नेताओं ने लिखा, लेकिन जब हमने ट्विटर को टटोलना शुरू किया तो देखा कि ट्विटर पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश की तरफ से इस वीडियो को रिट्वीट किया गया और लिखा गया कि इस तरीके से जो सत्ता में आने की बात कह रहे हैं वो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। लेकिन इसके बाद तुरंत सीएम जयराम ठाकुर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया। हमें लगा कि मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री है, जिम्मेवार व्यक्ति है, गंभीर व्यक्ति है, अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो लिखेंगे कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस घटना में कोई घायल ना हुआ हो या किसी को गंभीर चोट ना आई हो। लेकिन यकीन मानिए, हमें दुख हुआ जब सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि जो तंबू उखाड़ने की बात करते थे उनका तंबू खुद उखड़ गया। यानी कि सूबे का मुखिया सत्ता पाने के लिए इतना आतुर हो चुका है या इतने बौखला चुके हैं कि ऐसी घटनाओं पर भी मजे ले रहे हैं। सूबे के मुखिया को तो जो है जो देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, जो इस तरीके की, चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर बीमार हो, उनकी स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ना केवल स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं बल्कि स्वस्थ और साफ और निष्पक्ष राजनीति की भी कामना करते हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं ये कामना करता हूं कि आप कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का ये बदलता स्वरूप गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि अगर सूबे का मुखिया भी ऐसी घटनाओं पर मजे ले रहा है या फिर उनका आईटी सेल मजे ले रहा है, अगर ये जो ट्वीट जो किया है, हमें मालूम है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आप ना लिखा हो, इनकी जो टीम बैठी है उन्होंने लिखा हो, लेकिन सूबे के मुखिया को इतना तो देखना चाहिए कि आखिर वो लिख क्या रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर इस घटना के बाद मुकेश अग्निहोत्री को गंभीर चोट आ जाती या किसी व्यक्ति की जान चली जाती तो क्या फिर भी सूबे के मुखिया यही लिखते कि चले थे प्रदेश को जीतने, टांग तुड़वा दी, बाजू तुड़वा दी, मर गए। आखिर हम कैसी राजनीति देख रहे हैं और आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, वाकई में सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। हम तो यही दुआ करेंगे कि किसी को गंभीर चोट ना आई हो, क्योंकि इतने लोगों में और इतनी खबरों में इस वक्त जब जो है दल बदल रहे हैं, नामांकन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरों का दौर लगातार जारी है, अगर किसी को गंभीर चोट आई भी हो तो खबरों के इस तालमेल में वो खबर कहीं खो जाएगी। इसलिए हम तो कामना करते हैं कि किसी को चोट ना आई हो और आगे से लोग भी ध्यान रखें कि इस तरीके की घटना ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।